CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। जिला गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम बहुरा से समाजवादी पार्टी का पदयात्रा निकाला गया। डॉक्टर इंद्रेश सिंह ने बताया कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हम मिनिमम 350 से कम नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा से यह संदेश देना चाहते हैं, अति पिछड़े गरीब असहाय लोगों को बताना चाहते हैं कि इस सरकार में हम लोगों को परेशान किया गया है। हम लोगों को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिल पाया, जैसा कि हमारे अखिलेश भैया की सरकार में बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे विकास दिखाई दिए, जैसे एम्बुलेंस 100 नंबर डायल आदि तमाम सुविधाएं हम लोगों को मिली। डॉक्टर इंद्रेश सिंह ने बताया कि यह पदयात्रा उचौरी, सादात, जलालाबाद, काशिमाबाद, जहुरा के बाद मोहम्मदाबाद, गाजीपुर घाट, जीपुर, जमानिया में 1 नंबर तक समापन किया जाएगा। पदयात्रा सैदपुर का आखिरी गांव बहुरा से निकला हुआ है और ये 7 विधानसभा में चलेगी। और जो सबसे मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि हमें जन जागरण को के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से जागरूक लोगों को करना है, सरकार की नीतियों के विरोध में अपने सरकार की अच्छाइयों को हमें बताना है, ये उद्देश्य इसका। ये कहाँ तक पदयात्रा चलेगा? ये पदयात्रा 7 विधानसभा में चलेगी जी। ये जमनिया में समापन होना है जी, आपके माध्यम से? हाँ, हम सभी समाजवादी भाइयों के माध्यम से। सर, क्या लगता है 2022 का चुनाव किस मोड़ जाएगा? ये 2022 का चुनाव 100% हम लोग पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हम मिनिमम 350 से कम नहीं रहेंगे। राजेंद्र सिंह यादव, प्रभारी विधानसभा सैदपुर। आप लोगों का पदयात्रा निकला, क्या इसका उद्देश्य है पदयात्रा का? पदयात्रा का उद्देश्य है, पदयात्रा बहुरा गांव सभा से निकली, उसको झंडी हमारे जिला अध्यक्ष श्री रामधारी यादव जी और डॉक्टर साहब की पत्नी ने और इनके पिताजी ने झंडी दिखाया। बहुरा से चलकर हम लोग नई कोट होते हुए, बहदिया होते हुए बिहारीगंज पहुँचे। बिहारीगंज से बदैला होकर करमपुर होते हुए हम लोग यहाँ पर पड़ाव रात को है, यहाँ पहुँचे हुए हैं। पदयात्रा का ये हम लोगों का यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से डॉक्टर साहब ने पदयात्रा का शुरुआत किया। 7 विधानसभा में चलेंगे और ये सरकार की गलत नीतियों और झूठ बोलना, केवल नाम बदलना, ये सरकार 17 से लेकर आज तक एक काम नहीं किया है नाम बदलने के अलावा, और ये सरकार ने कुछ नहीं किया है। क्या 2022 का चुनाव विधानसभा का क्या कैसा रहेगा? 2022 का चुनाव जो है, पूरी जनता अगर सचमुच माना जाए सबका साथ सबका विकास, ये नारा अखिलेश जी ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश जी की जब सरकार थी जो 2012 से 2017 तक, उसमें जात पात नहीं देखा गया था। हर लोगों को, हर समाज के लोगों को लैपटॉप, लड़कियों को साइकिल, विद्याधन और समाजवादी पेंशन चला, 108 चला, इसमें जात पात की कोई व्यवस्था नहीं थी। चाहे जो भी गर्भवती महिला थी, किसी जात धर्म की वोट दिया या न दिया, माननीय अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 2400 करोड़ के आबादी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन योगी जी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सर, प्रदेश की वर्तमान सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, क्या कहेंगे इसको लेके? इस पर महंगाई, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों, आज उद्योगपतियों को इन्होंने बढ़ावा दिया है, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मीठा तेल का दाम बढ़ा है, गैस का दाम बढ़ा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस पर तमाम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, आंदोलन किए हम लोग, धरना प्रदर्शन किए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी, महंगाई पर एक भी लोगों का वक्तव्य नहीं आया। महंगाई से पूरा जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है। आज किसान की खेती का समय है, इतना महंगा डीजल है, किसान जुताई नहीं कर पा रहा, कैसे बुआई करेगा, कैसे जुताई करेगा,
बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशानी में लोग हैं। क्या लगता है कि गाजीपुर की जनता सपा के साथ रहेगी? जी, गाजीपुर की जनता, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ अब सभी लोग बोलने लग गए। पहले लोग बोल मारे डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते थे, जो लोग वोट दिए थे। आज जो उनको वोट भी दिए थे, जो नहीं दिए हैं, आज सारे लोग एक स्वर में बोलते हैं कि गाजीपुर की सातों सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी, माननीय अखिलेश जी की झोली में जाएगी। कैमरामैन शिवाजी के साथ श्याम भवन की खास रिपोर्ट।